हेलो दोस्तों, टेक्निकल मोटिवेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए आप सब लोगों को इतना तो पता होगा कि आपके पास बेस्ट कंटेंट होना जरूरी है। लेकिन सिर्फ बेस्ट कंटेंट होना ही काफी नहीं है, आपके पास बेस्ट कंटेंट है और जब तक वो कंटेंट बहुत सारे व्यूअर्स तक, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुंचता, आप यूट्यूब पर सक्सेस हो नहीं सकते। कंपटीशन के जमाने में आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए, बहुत सारे कंपटीटर हो गए। ऐसे में उस पर्टिकुलर चैनल कैटेगरी या पर्टिकुलर वीडियो पे व्यूज लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है जब तक ये अपने को पूरा इसका नॉलेज नहीं हो। तो अपने को जब तक इसका पूरा नॉलेज हो जाएगा कि कैसे यूट्यूब पे व्यूज आते हैं, क्या क्या सोर्सेस है व्यूज आने के, अपन आसानी से यूट्यूब का पूरा एल्गोरिथम समझ के उस पर व्यूज ला सकते हैं। तो आज इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं। आज का अपना वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट व्यूज ऑन यूट्यूब, यूट्यूब पे व्यूज कैसे लाए। आप पूरा नॉलेज इस वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, मैं अपना पूरा कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको। पूरा रिसर्च करने के बाद पूरी जो जानकारी होती है यूट्यूब पे व्यूज कैसे लाए, यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, पूरी आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्या क्या मिथ्स है और क्या क्या सही इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हो सकता है आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने एक या दो वीडियो पे 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट कर ले, तो प्लीज आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। फ्रेंड्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स को गलत इन्फॉर्मेशन रहती है जिसकी वजह से वे अपने वीडियो से व्यूज नहीं ला पाते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, यहाँ पे बता दूं कि पहला उनको गलत इन्फॉर्मेशन क्या रहती है यूट्यूब एल्गोरिदम के बारे में। उनको लगता है कि वो यूट्यूब का एल्गोरिदम फॉलो करेंगे तो वो बहुत सारे व्यूज अपने वीडियो पे ला सकते हैं। लेकिन ये बहुत गलत इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे मैं बता दूं, आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम फॉलो नहीं करना, यूट्यूब एल्गोरिदम आपको फॉलो करेगा जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी यूट्यूब पे व्यूज लाने की, यूट्यूब पे व्यूज कैसे आते हैं, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं आगे चल के बता दूंगा। दूसरा, यहाँ पे लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन रहती है कि वो अपना वीडियो रैंक करा के ज्यादा से ज्यादा व्यू ला सकते हैं। ये भी एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप सिर्फ रैंक करा के अपना वीडियोज पे ज्यादा से ज्यादा व्यूज नहीं ला सकते, इससे डबल ट्रिपल व्यूज आप अलग यूट्यूब सोर्सेज से ला सकते हैं, अदर यूट्यूब सोर्सेज से ला सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन पे, जहां पे आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आप यूट्यूब पे वीडियो रैंक कराने के अलावा उससे डबल या ट्रिपल व्यूज कैसे दूसरे यूट्यूब सोर्सेज से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल के ट्रैफिक सोर्सेज में आपको ले आया हूँ। यहाँ पे देखिए, ट्रैफिक सोर्सेज में मैंने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे मैंने इसको लाइफ टाइम सेलेक्ट कर दिया है। लास्ट 28 डेज का दिखा रहा था, मैंने इसको लाइफ टाइम सेलेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको अपने लाइफ टाइम व्यूज बता देता हूँ। ये 33 लाख करीब लाइफ टाइम व्यूज है जहाँ पे मुझे ज्यादा व्यूज कौन से सोर्स से मिले हैं। तो आप देख लीजिए, सजेस्टेड वीडियोज यहाँ पे टॉप पे है, 17,65,616 यानी 53% व्यूज मुझे यहाँ पे मिले सजेस्टेड वीडियोज है। सजेस्टेड वीडियोज कौन से होते हैं, जब आप अपने मोबाइल पे चलाते हैं वीडियो तो वहाँ पे नीचे ऑटो प्ले में दिखाता है सजेस्टेड वीडियोज, वो होते हैं जो प्ले होते हैं दूसरे वीडियो के बाद में। यहाँ पे इसके अलावा सजेस्टेड वीडियो आपको कंप्यूटर पे चला रहे, पीसी में चला रहे, तो आपके पीसी की स्क्रीन के जहाँ पे वीडियो प्ले कर रहे उसके राइट साइड में आपको दिखाते हैं। ब्राउज फीचर कौन से होते हैं, जो होम पेज या होम स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं या आपके फिर सब्सक्रिप्शन फीड में दिखाते हैं। आप देख लीजिए, ब्राउज फीचर से मुझे मिले 24% व्यूज और यहाँ पे YouTube सर्च की बात करूं तो सिर्फ 17% व्यूज मिले, काफी मतलब ज्यादा व्यूज मिले हैं। लेकिन कंपेयर करें अगर 53% है 24% से, तो ये कम है यहाँ पे YouTube सर्च से। तो जरूरी नहीं है कि YouTube पे सर्च हो या आपका रैंक हो वीडियो, मेरे भी एक दो वीडियो रैंक है लेकिन उससे इतने व्यूज नहीं मिले जहां पे मुझे सजेस्टेड वीडियो ब्राउज फीचर से मिले। तो अपने को व्यूज मिलने चाहिए, फिर वो चाहे ब्राउज फीचर से हो, चाहे सजेस्टेड वीडियो या यूट्यूब सर्च से हो। इसके अलावा और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे आप एक्सटर्नल सोर्स व्हाट्सएप वगैरह फेसबुक पे शेयर करते हैं वेबसाइट पे, या फिर एंड स्क्रीन या कार्ड्स वगैरह लगाते हो, और यूट्यूब एडवर्टाइज यानी गूगल एडवर्ड्स पे आप एड के पैसे देके भी अपने वीडियो को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये कुछ सोर्सेज है यूट्यूब पर व्यूज लाने के। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने इतना तो देख ही लिया होगा कि यूट्यूब पे वीडियो रैंक कराने के अलावा भी सजेस्टेड वीडियो ब्राउज फीचर से आप बहुत सारे मतलब यूट्यूब सर्च कराने से ज्यादा व्यूज ला सकते हैं। लेकिन ये व्यूज कैसे आएंगे, अब मेन इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं। ये व्यूज लाने के लिए आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब का एल्गोरिदम। वो समझने के बाद ही मैं अपने यूट्यूब वीडियोज पे बहुत सारे व्यूज ला पाया, आपको दिखाया कि मैंने आधे से ज्यादा व्यू ला पाया सजेस्टेड वीडियो और ब्राउज फीचर से। क्योंकि रैंक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर मैं बात करूं अपने चैनल कैटेगरी टेक्निकल की, तो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनको पहले ही बहुत सारे मतलब मोबाइल मिल जाते हैं एडवांस में,
और उनका अनबॉक्सिंग वगैरह वीडियो वो डाल देते हैं और उनके मिलियंस व्यूज आ जाते हैं और वो यूट्यूब सर्च में रैंक कर जाते हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे रैंक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए क्या आप मेरे जैसे बहुत छोटे यूट्यूबर्स के लिए या जो यूट्यूबर्स ग्रो कर रहे हैं अभी उनके लिए रैंक कराना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके मिलियन सब्सक्राइबर रहते नहीं, तो वहां पे उनको रैंक कराना मुश्किल हो जाता है और सजेस्टेड वीडियो एंड ब्राउज फीचर से वो बहुत सारे व्यूज ला सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इनसे व्यूज कैसे आते हैं। तो इसके लिए आपको समझना होगा यूट्यूब एल्गोरिदम को। जब आप इसको पूरी तरह अच्छे से समझ लेंगे तो आपके पास आसानी से आपके वीडियोस पे व्यूज आएंगे और वो व्यूज आते ही जाएंगे, डबल ट्रिपल होते ही जाएंगे और आपका जब तक व्यूज आएंगे सजेस्टेड वीडियो ब्राउज फीचर से उसके बाद आपका वीडियो रैंक भी करने लगेगा। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं अपन यूट्यूब एल्गोरिदम की। दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा या नहीं भी पता होगा कि यूट्यूब पे एक मिनट के अंदर 400 घंटे से ज्यादा या उससे कई ज्यादा घंटे के वीडियो अपलोड होते हैं। ऐसे में यूट्यूब क्या चाहता है कि वो अपने व्यूअर्स को बेस्ट वीडियो दिखाए और उसको बार बार मतलब अच्छे वीडियो दिखाते रहे ताकि वो पर्टिकुलर व्यूअर्स यूट्यूब पे बार बार आते रहे और उनका इनकम वगैरह जनरेट होते रहे, उनका प्लेटफॉर्म अच्छे से चलते रहे। तो यूट्यूब अपने व्यूअर्स को बेस्ट वीडियो दिखाना चाहता है। इसके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे इतने एम्प्लॉय तो काम कर नहीं सकते इतने वीडियो पे कि वो सर उनमें से बेस्ट वीडियो छांटे, क्योंकि बहुत सारे वीडियो अपलोड होते हैं, लाखों घंटे के दिन में वीडियो अपलोड हो जाते हैं। तो ऐसे में यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क करता है। अब यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है ये अपन को समझना होगा। तो यूट्यूब का एल्गोरिदम वर्क करता है, सबसे पहले यूट्यूब किसी पर्टिकुलर सिस्टम या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग, ये बात आपको सब लोगों ने बताई होगी कि बेस्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स डाले। ये बात इंपॉर्टेंट है बहुत। आपको बेस्ट टाइटल भी डालना है, टैग भी डालना है और डिस्क्रिप्शन भी डालना है। कैसे डालना है वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे डालना है। तो इसके अलावा बात करें अगर बेस्ट टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन डालने के अलावा यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो सिर्फ इसी से डिसाइड नहीं कर लेता कि उनको अपने व्यूअर्स को बेस्ट वीडियो ये देना चाहिए, क्योंकि जो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग आप डालेंगे वो बहुत सारे जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं बहुत सारा अच्छा टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन सब डालेंगे। जो पोटेंशियल जो ज्यादा ज्यादा जो सर्च टर्म है, जिस सर्च टर्म पे कोई मतलब वीडियो सर्च करने की संभावना होती है वही टाइटल डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं वीवो Y83 अनबॉक्सिंग, तो ये बहुत सारे लोग डालेंगे अनबॉक्सिंग का। तो ऐसे में आपका वीडियो ही क्यों दिखाया जाए, आपका वीडियो ही क्यों दिखाया जाए ये यूट्यूब डिसाइड करता है। जब आप अपने वीडियो में बेस्ट कंटेंट बनाते हैं तो क्या करते हैं लोग उस पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसके साथ आपकी वीडियो पे इंगेजमेंट ज्यादा होती है। तो यूट्यूब क्या सोचता है कि भाई लाइक आ रहा है, वॉच टाइम भी ज्यादा है, 5 मिनट का वीडियो 3 मिनट 4 मिनट तक देखा जा रहा है। 1000 व्यू पे मान लीजिए आपका 500-700 लोगों ने 3 से 4 मिनट या पूरा भी कई लोगों ने आपका वीडियो देखा, तो यूट्यूब क्या डिसाइड करता है, YouTube सोचता है कि ये वीडियो अच्छा है क्योंकि तभी लोग इसको पूरा देख रहे हैं, तभी इसको लाइक कर रहे हैं, तभी इस पे कमेंट कर रहे हैं, इंगेजमेंट आ रही है, अच्छी मतलब इंगेजमेंट आ रही है। तो YouTube क्या करता है उसको प्रमोट करता है। दूसरा जो हायर रैंकिंग वाला वीडियो है उसके सजेशन में आपका वीडियो दिखा देता है। फिर ज्यादा ज्यादा लोग जैसे जैसे देखता जाते हैं ब्राउज फीचर में आ जाता है आपका मतलब पूरा लिस्ट में आता रहता है, बार बार में बहुत सारे व्यूअर्स को पहुंचता जाता है आपका वीडियो सजेस्टेड वीडियो के थ्रू, ब्राउज फीचर्स के थ्रू। जैसे जैसे व्यूज पे आपके वीडियो पे वॉच टाइम बढ़ता है, जितना आपके वीडियो पे वॉच टाइम बढ़ेगा, इंगेजमेंट होगी, उतना ही आपका वीडियो प्रमोट करता जाएगा यूट्यूब, उतने ही व्यूअर्स को दिखाया जाएगा कि आप ये वीडियो भी देखिए, ये अच्छा वीडियो है। तो आपके पास बेस्ट कंटेंट होना जरूरी है। व्यूज आप स्टार्टिंग में ले आएंगे, आपका थोड़े बहुत व्यूज आएंगे, उसी से डिसाइड होगा कि आपका वीडियो प्रमोट हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने वीवो Y83 का वीडियो बनाया तो उसपे अनबॉक्सिंग पे तो बहुत सारे पहले से व्यू रहते हैं, तो मुझे एक ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना था कि जिसपे मतलब वीडियो नहीं बने हुए, क्योंकि अनबॉक्सिंग में वीडियो तो थोड़े बहुत सजेशन वीडियो से व्यू आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं अलग टॉपिक बनाता हूँ तो मुझे उसपे ज्यादा व्यूज मिलने की संभावना है। तो उसमें मैं वीवो Y83 से रिलेटेड टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट में वीवो Y83 डालूंगा, वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ अभी कैसे डालता हूँ। तो वो डाल के मैं पूरा जब उसको वीडियो को अपलोड करूंगा तो वो जो वीडियो पहले से बने हुए उनके सजेशन में ब्राउज फीचर में लोगों के जो होम पेज होता है स्क्रीन पर, जैसे मैंने आपको अभी यूट्यूब के सोर्सेज में बताया था कि ट्रैफिक सोर्सेज में बताया था कि ब्राउज फीचर से कैसे व्यूज आते हैं, तो वो आपका जो होम पेज होता है आप जब देखते हैं कोई तो उसमें दिखा देता है। तो वहां से लोग क्या देखते हैं कि यार वीवो Y83 का अनबॉक्सिंग वीडियो तो बना हुआ है, ये वीवो Y83 का रेडमी Y2 से मैंने कंपैरिजन करके बनाया था तो वो वीडियो भी दिखा रहा है, तो उसको ज्यादा ज्यादा लोग देखते हैं। तो आप एक तो थोड़ा डिफरेंट वीडियो बनाइए उसी सेम रिलेटेड टॉपिक से,
साथ ही अगर आप वो सेम वीडियो भी बनाते हैं तो उसमें बेस्ट टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन डालिए और उसको ऐसा इस तरीके से बनाइए अपना कंटेंट कि उसको लोग ज्यादा से ज्यादा एंड तक देखें। इसीलिए सब यूट्यूबर्स बोलते हैं इंक्लूडिंग मी कि ये वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो एंड तक देखने का मतलब क्या होगा, उस पर वॉच टाइम बढ़ता है तो यूट्यूब उसकी रैंकिंग हायर कर देता है, उसको प्रमोशन ज्यादा देता है और जैसे आपका सजेस्टेड वीडियो एंड ब्राउज फीचर से व्यूज आते हैं वो वीडियो आपका रैंकिंग में भी आने लगता है क्योंकि उस पर व्यूज इतने हो जाते हैं कि वो रैंक करने लग जाता है वीडियो, तो आपको बहुत सारे व्यूज ऐसे मिल जाते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आप कैसे बेस्ट टाइटल टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ वीवो Y8C वर्सेज रेडमी Y2 का मैंने एक वीडियो बनाया, तो उसको मैं एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। लेकिन आप ये चीज समझने से पहले एक चीज कंसीडर हमेशा कर लीजिए कि आपका जो वीडियो है उसमें कंटेंट अच्छा हो, क्योंकि लेकिन आपको एक बार तो थोड़े व्यूज मिल जाएंगे बेस्ट टाइटल टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन डालने से, लेकिन जब आपके वीडियो पे लोग ज्यादा नहीं देखेंगे उनको पता लगेगा ऐसा ही है 10 सेकंड 20 सेकंड या एक मिनट करके वीडियो वॉच करके छोड़ दिया और उसको डिसलाइक कर दिया, तो यहाँ पे आपका वीडियो ना तो आपको सजेस्टेड वीडियो ना ब्राउज फीचर्स ना यूट्यूब सर्च से आपको व्यू मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका कंटेंट बेस्ट होना चाहिए जिसको लोग एंड तक देखें। उसके बाद मैटर करता है टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स। टाइटल आप जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ वीवो Y8 3 वर्सेज रेडमी Y2 मैंने एक वीडियो डालना है मुझे, तो यहाँ पे मैं बेस्ट टाइटल डालता हूँ। उसके बाद में ये टाइटल तो मुझे डालना ही है वीवो Y8 3 वर्सेज रेडमी Y2 क्योंकि लोग ज्यादा ज्यादा यही सर्च करेंगे या फिर रेडमी Y2 वर्सेज वीवो Y8 3 डिपेंड करता है कि अभी कौन सा मोबाइल ज्यादा चल रहा है, तो मैंने डाल दिया वीवो Y8 3 वर्सेज रेडमी Y2, तो ये टाइटल मैंने डाला। तो यहाँ पे टाइटल डालने के बाद मोस्ट एंड मोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है डिस्क्रिप्शन। इवन मैं बोलूँ आपका टाइटल और टेक्स्ट दोनों मिला के इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना डिस्क्रिप्शन है। बहुत सारे व्यूज क्या करते हैं बेस्ट टाइटल एंड टेक्स्ट डालते हैं लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं डालते, तो डिस्क्रिप्शन अच्छा डालना ही यूट्यूब पे सजेस्टेड वीडियो ब्राउज फीचर से व्यू लाने का सोर्स है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने टाइटल डाल दिया टेक्स्ट डाल दिया लेकिन डिस्क्रिप्शन छोटा सा डाल दिया तो वो डिस्क्रिप्शन इतना मैच नहीं करता या फिर तो आपका सजेस्टेड वीडियो इन ब्राउज फीचर्स में नहीं दिखाएगा। आप क्या डालिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने वीवो Y8 3 वर्सेस रेडमी Y2 वीडियो बनाया तो यहाँ पे मैं डालूंगा डिस्क्रिप्शन में स्टार्ट करूंगा वो टाइटल लूंगा सबसे पहले वॉच वीवो Y8 3 वर्सेस रेडमी नोट 5 या रेडमी Y2 वीडियो और फिर वापस मैं उसको रिपीट करूंगा कि रेडमी Y2 वर्सेस वीवो Y8 3 वीडियो इज पोस्टिंग फॉर यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोटिवेशन। ऐसे करके मैं वीवो Y8 3 और रेडमी Y2 को अपने डिस्क्रिप्शन में बार बार मैं यूज करूंगा और बार बार मैं उसमें मतलब अपना डिस्क्रिप्शन एक चीज हमेशा ध्यान है कि 5000 आपको वर्ड्स मिलते हैं 5000 वर्ड्स मिलते हैं डिस्क्रिप्शन डालने के लिए, तो उसमें आप डिस्क्रिप्शन लिखिए कम से कम 3.5 से 4000 वर्ड्स का। लोग क्या करते हैं 2 लाइन लिख के छोड़ देते हैं टेक्स्ट डाल देते हैं कि अपने पे व्यूज नहीं आते ऐसे करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन पूरा डालेंगे उस पे डिस्क्रिप्शन पूरा डालने के बाद आप उसमें नीचे अपने जो रिलेटेड वीडियो उसके लिंक भी दे दीजिए 5-7 जैसे वीवो Y8 3 से रिलेटेड वीडियो के मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए और अपने सारे लिंक उसमें देके आप उसको एंड स्क्रीन और अपने जो कार्ड्स लगाते हैं वीडियो में वो भी आप जो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोज के लिंक दिए वो उसमें आप कार्ड्स में लगाइए। एंड स्क्रीन पे 2 वीडियो आप लगा सकते हैं तो 2 वीडियो वो लगा लीजिए तो वो सही रहेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन बेस्ट डालिए, लंबा डालिए, करीब 3.5-4000 वर्ड्स का डालिए। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में जो आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन डाला है उस अकॉर्डिंग आपको टैग डालना होता है, ना कि आप पहले टैग डाल दें और फिर डिस्क्रिप्शन डाल दें। तो उस अकॉर्डिंग आप जो डिस्क्रिप्शन में ज्यादा ज्यादा वर्ड्स यूज किए ज्यादा ज्यादा टैग्स वो डालिए जो लोग सर्च करके टाइप कर सकते हैं और वैसा ही डिस्क्रिप्शन में आप यूज कीजिए। तो ऐसा करने के बाद क्या है आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग्स तीनों मैच करेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीवो Y8 3 या रेडमी Y2 पे, तो उनके दोनों के जो वीडियो हो गए उनके सजेस्टेड वीडियो एंड ब्राउज फीचर में आपका वीडियो दिखाएगा और ज्यादा से ज्यादा तब दिखाएगा जब लोग ज्यादा से ज्यादा उस पर लाइक करेंगे ज्यादा से ज्यादा उसको देखेंगे उसका वॉच टाइम बढ़ाएंगे। वॉच टाइम जिसका ज्यादा से ज्यादा आपका कंटेंट अच्छा होगा तो वॉच टाइम ऑटोमेटिकली ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे यूट्यूब एल्गोरिथम काम करता है और आप ऐसे यूट्यूब पे व्यूज ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यूट्यूब पे व्यूज लाने से संबंधित कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके प्लीज जरूर पूछिएगा। बहुत सारे कमेंट होंगे तो उस पे एक Q&A बना देंगे, अलग से वीडियो बना देंगे। इसके अलावा अगर थोड़े ही कमेंट्स होंगे तो मैं आपका वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कोई सवाल हो तो। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।